जैसे नामर्दी, शिगर पतन, संपन्न दोष, ढीलापन, तनाव का ना आना, उत्तेजना होना होना, शिगर पतन, ठीक है, नाइट फॉल होना, इनका हमारे यहाँ इलाज किया जाता है बिल्कुल सफलतापूर्वक। जिनके रिजल्ट जो होता है, मैं मानता हूँ आयुर्वेद में 100% रिजल्ट रहते हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और ये पूरी तरह से जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं और जो बस में होती हैं, टोटली आयुर्वेदिक होती हैं, किसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको कोई भी गुप्त रोग, चाहे वो शिगर पतन हो, नाइट फेल हो, या इंद्रिय का छोटापन हो, धात जैसी कोई भी बीमारी हो, तो अब आपके अपने शहर अमृतसर में अब आप यहाँ पर जनता क्लिनिक पर आ सकते हैं और अपनी इन बीमारियों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करवा सकते हैं। यहाँ पर अनुभवी डॉक्टर राहुल के द्वारा आपकी इन बीमारियों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा और भविष्य में ये बीमारी फिर कभी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर आयुर्वेद पद्धति के द्वारा इलाज किया जाता है, अंग्रेजी दवाइयाँ यहाँ पर बिल्कुल नहीं दी जाती है। अंग्रेजी दवाइयाँ कुछ समय के लिए तो आपको ठीक कर देगी, लेकिन बाद में चलकर उन दवाइयों के ना जाने कितने साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जनता क्लिनिक पर आप कि इन बीमारियों का बिल्कुल आयुर्वेद पद्धति के द्वारा इलाज किया जाएगा। आइए बात करते हैं डॉक्टर राहुल से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो इन गुप्त रोगों का आयुर्वेद पद्धति के द्वारा इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा बड़ा स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, किस तरीके से इलाज किया जाता है? आज के समय में देखा जाता है बचपन में गलतियां तो कर लेते हैं, लेकिन जवानी में चलकर ये बीमारियां काफ़ी हो जाती है, किसी का घर उजड़ने की कगार पर आ जाता है, किसी को बच्चे नहीं होते, तो किस तरीके से इलाज किया जाता है? देखो जी, हमारे यहाँ जो गुप्त रोगों का इलाज है, जैसे नामर्दी, शिगर पतन, संपन्न दोष, ढीलापन, तनाव का ना आना, उत्तेजना होना होना, शिगर पतन, ठीक है, नाइट फॉल होना, इनका हमारे यहाँ इलाज किया जाता है बिल्कुल सफलतापूर्वक। जिनके रिजल्ट जो होता है, मैं मानता हूँ आयुर्वेद में 100% रिजल्ट रहते हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये पूरी तरह से जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं और जो बस में होती हैं, टोटली आयुर्वेदिक होती हैं, किसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और हमारे यहाँ जो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से पहले काउंसलिंग की जाती है, पेशेंट की बीमारी के बारे में जाना जाता है कि पेशेंट को शिगर पतन है या संपन्न दोष है या उत्तेजना की कमी है या लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, कि उसका कारण क्या है, कोज क्या है, क्योंकि आयुर्वेद जो होता है जड़ पे काम करता है जी, और इसका बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए आराम हो जाता है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि आज के टाइम में अंग्रेजी दवाइयाँ काफ़ी हो चुकी है और अंग्रेजी दवाइयाँ कुछ समय के लिए तो ठीक करेगी, लेकिन आयुर्वेद दवाइयाँ क्या लंबे समय तक टिकी रहेगी? देखो जी, आयुर्वेद जो दवाइयाँ होती हैं, सबसे पहली बात बताना चाहूँगा, ये हमारी जो पैथी है आज से कम 8-10 हज़ार पुरानी पैथी है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ऋषि मुनि से चली आ रही है। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं बाजिकन चिकित्सा, ये इसमें किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बाज़ार चले जाइए, वहाँ पर नीली हरी पीली गोली दे दी जाती है, जिसमें सीटनाफिल वगैरह होता है, जिससे कि हार्ट की बीमारी भी बन सकती है पेशेंट को, अस्थमा की प्रॉब्लम बन सकती है, या हाथ पैरों में दर्द भी हो सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक बार तो असर करती है, उसके बाद जो लिंग में जो तनाव होता है वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है, जिससे आगे चल के लोगों की तलाक की भी नौबत आ जाती है। कुछ लेडीज़ अपने हस्बैंड को भी लेके आती हैं, डॉक्टर साहब ये नशा करते थे।